समागणी, आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का है उनके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो उसमें से एक टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में संस्कृत अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन राजस्थान। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले राजस्थान में कितने जो हैं संस्कृत से रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको देख लेते हैं। अब ये पूरा टेबल एज सच याद होना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर जो मेन है उनको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आचार्य महाविद्यालय स्नातकोत्तर, इसको हम इंग्लिश में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि संस्कृत है, वैसे ही हिंदी रिलेटेड टर्म्स आएंगे, तो इसको ऐसे करना ही मेरे ख्याल से सही रहेगा। इसमें आप ये समझ सकते हैं आचार्य की पोस्ट इज इक्वल टू MA, पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर। ठीक है, और शास्त्री महाविद्यालय यानी कि स्नातक, शास्त्री का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट, जो हम BA, BCom, BSc उसकी इक्विवेलेंट होती है, तो इसका मतलब हो गया एक तरीके से ग्रेजुएट। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर एक राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि राजस्थान स्टेट संस्कृत एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कौन सा इंस्टीट्यूट हो गया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आसान बात क्या याद करने वाला, एक ही इंस्टीट्यूशन है राजस्थान में, गवर्नमेंट है, तो टोटल भी कितने हो गए गवर्नमेंट। यहाँ पे राजकीय का मतलब है गवर्नमेंट और नॉन अराजकीय का मतलब है नॉन गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आचार्य महाविद्यालय, आचार्य कॉलेजेस कितने हैं संस्कृत के, ग्रेजुएट की अगर हम ग्रेजुएट नहीं सॉरी देखो आचार्य महाविद्यालय कितने हैं, 9 नंबर यहाँ पे आएगा, 29, ऐसे याद करो। शास्त्री महाविद्यालय यानी कि ग्रेजुएट लेवल के कितने हैं, वो ज़्यादा है 49, तो 29, ऐसे याद करो। 29 में जो आचार्य महाविद्यालय है उसमें गवर्नमेंट कितने हैं 14 और अराजकीय नॉन गवर्नमेंट कितने हैं 15। ठीक है, तो 29 का जब आप हाफ करोगे 14, 15, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और शास्त्री महाविद्यालय जो ग्रेजुएट लेवल के हैं टोटल हैं 49, इसमें से 37 हैं गवर्नमेंट राजकीय और 12 जो हैं वो है नॉन गवर्नमेंट यानी कि अराजकीय, 12 ऐसे हैं नॉन गवर्नमेंट अराजकीय। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा जो कम इंस्टीट्यूशंस का नंबर है वो आप याद कर सकते हो, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो एक है, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सॉरी महाविद्यालय नहीं विद्यालय यानी कि एजुकेटर ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में संस्कृत से रिलेटेड कितने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में एक है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में 15, टोटल कितने हैं 16 हैं, टोटल कितने हैं 16 हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मेन आप याद कर सकते हो, इनका इतना सारा नंबर याद नहीं होगा, ये बस ऐसे याद कर लो। वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय यानी कि जो सीनियर टीचर होते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल के यानी कि 12th लेवल के, वो टोटल कितने हैं 300 है। प्रवेशिका विद्यालय एंट्रेंस स्कूल सेकेंडरी लेवल के यानी कि 10th लेवल के, वो भी कितने हैं 300। तो इस तरीके से एक आपको बेसिक याद रह जाएगा, 300 जो हैं स्कूल्स हैं, 300 स्कूल सेकेंडरी लेवल के, 10th लेवल के जो संस्कृत से रिलेटेड हैं और 12th लेवल के कितने हैं वो भी 300 है टोटल। ठीक है, बाकी जो मेन है वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्वरूप यानी कि एजुकेशन का क्या प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आचार्य स्तर पे, आचार्य स्तर इतना तो समझ आ गया, प्रोफेसर लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, संस्था स्तर लिखा हुआ है आचार्य यानी कि प्रोफेसर लेवल पे, समकक्षता किसके बराबर है, MA के बराबर है। ठीक है, सब्जेक्ट्स तो इतने सारे याद नहीं रहेंगे, तो आपको बस ये याद रख लीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, यानी विश्वविद्यालय का मतलब हो गया ये क्या हो गई, एक पूरी प्रॉपर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। तो सारे संस्कृत रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि वेद पढ़ाए जाएंगे चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ज्योतिष, गणित एवं फलित भी, साहित्य, व्याकरण, न्याय दर्शन, धर्मशास्त्र, जैन दर्शन, पुराने इतिहास, पुराण का इतिहास, सामान्य दर्शन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शास्त्री लेवल पे यानी कि समकक्षता बीए ग्रेजुएट लेवल पे भी सेम ही है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। इसमें सब्जेक्ट सारे ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट हैं, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, वेद, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण, न्याय दर्शन, धर्मशास्त्र, जैन दर्शन, ठीक है, पुराणों का इतिहास, सामान्य ज्ञान, बौद्ध दर्शन, तो आधुनिक विषय, पौरोहित्य पुराने उसमें हो गए, परंपरागत विषय निम्बार्क दर्शन, मॉडर्न की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ठीक है, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी कंप्यूटर लेवल की एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये सारे ग्रेजुएट में पढ़ाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता पूछेंगे कौन कौन से, कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है उसके बाद देखते हैं शिक्षा शास्त्रीय स्तर के ऊपर ही जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर यानी कि ये बीएड के बराबर है, ठीक है। सिर्फ शास्त्री लिखा हो तो इसका मतलब ग्रेजुएट, शिक्षा शास्त्री स्तर लिखा हो इसका मतलब बीएड। कहने का मतलब कुल मिला के क्या है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में बीए, बीएड और एमए रिलेटेड टू संस्कृत जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम समझना चाहें साफ शब्दों में, आसान भाषा में, तो उसका मतलब ये है। विद्यालय स्तर का मतलब हो गया अब स्कूल लेवल पे, ठीक है, स्कूल लेवल पे। तो संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय यानी कि संस्कृत टीचर ट्रेनिंग स्कूल, क्या हो गया ये, टीचर ट्रेनिंग स्कूल। तो ये कहाँ पे है या किसके बराबर है, ये बराबर है एसटीसी, एसटीसी का मतलब होता है सीनियर टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये कराता है, ठीक है। सीनियर टीचिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है संस्कृत में, ठीक है, तो आप स्कूल्स में पढ़ा पाएंगे। तो ये कहाँ पे होती है, पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ इसकी कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संस्कृत कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर, और सीनियर टीचर सर्टिफिकेट जो है वो इसमें प्रोवाइड कराया जाता है इस कोर्स के, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो है वरिष्ठ उपाध्याय स्तर यानी कि जैसे आपके स्कूल लेक्चरर होते हैं ऐसे, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ट्वेल्थ लेवल का, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, संबद्धता एज इन किसके बराबर है, ठीक है। तो ये जो है रिलेटेड है किसके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से रिलेटेड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंतर्गत ट्वेल्थ लेवल पे अगर संस्कृत जो पढ़ाया जाता है तो वो इसके अंदर वरिष्ठ उपाध्याय लेवल यानी सीनियर टीचर लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, सीनियर टीचर लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ये आता है अजमेर के, ठीक है, संबद्धता उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये हमने कर लिया। प्रवेशिका स्तर भी जो है एंट्रेंस लेवल पे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंतर्गत ही आएंगे, सेकेंडरी लेवल यानी कि टेंथ लेवल पे पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट सारे आ जाते हैं इसमें, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, बाकी सारे सेम रहते हैं, एक जो नया होता है वो कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, संस्कृत यहाँ पे स्पेशली जो है वो पढ़ाया जाता है एंट्रेंस लेवल पे, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। इसके बाद आ जाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कि अपर प्राइमरी लेवल, ये कौन सा हो गया, अपर प्राइमरी लेवल का मतलब हो गया एक तरीके से फिफ्थ से एट्थ क्लास तक के जो स्कूल्स होंगे उसमें जो संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये आता है निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, इसको कौन ओवरसी करता है, तो डायरेक्टरेट कहाँ का, संस्कृत शिक्षा विभाग का, कहाँ का, जो कि जयपुर के अंदर है, ठीक है। और प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल का यानी कि फिफ्थ क्लास का सेम है, निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर। तो कहने का मतलब बीए, एमए,
और बीएड से रिलेटेड शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और आचार्य स्तर के तो गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य हमारा विश्वविद्यालय हो गया कहाँ पे, जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल की और सेकेंडरी लेवल की, तो वो कहाँ से रिलेटेड है, अजमेर से रिलेटेड है, ठीक है। वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का हो गया या फिर प्रवेशिका स्तर का, एंट्रेंस लेवल का हो गया, सेकेंडरी लेवल का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही इनको जो है पढ़ाई करवाता है। अपर प्राइमरी लेवल अगेन डायरेक्टरेट आ गया, संस्कृत एजुकेशन जयपुर, और प्राइमरी लेवल पे भी जयपुर। तो ये सिंपल सा समझने के लिए, जयपुर अजमेर जयपुर, और इस तरीके से लेवल्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा है। अच्छा, इसमें इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फंड भी एक क्रिएट किया गया है ताकि संस्कृत शिक्षा से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट संस्कृत से पढ़े। तो संस्कृत एजुकेशन को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिली है टू फॉर्म अ स्कूल डेवलपमेंट फंड प्रवेशिका लेवल का, सीनियर उपाध्याय लेवल का, ट्वेल्थ लेवल तक का एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाए संस्कृत के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट फंड इज यूज्ड आफ्टर द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, जो कमेटी बनाई जाती है उसके बाद जो है उसकी सहमति से इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है। मतलब एक फंड बनाया गया है ताकि संस्कृत को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवा सके, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक सा देखने का है कि क्या लेवल रहता है, राजकीय आचार्य महाविद्यालय, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेसर महाविद्यालय, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। और विश्वविद्यालय कौन से बोर्ड से इनको मान्यता मिलती है, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा। तो इन सब में मोस्टली आप देखोगे जो स्टार्टिंग के 4-5 हैं सब में 100% राज्य सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है, चाहे राजकीय आचार्य महाविद्यालय हो, शास्त्री महाविद्यालय हो, ठीक है, या फिर वरिष्ठ उपाध्याय जो हमने अभी पढ़े, प्रवेशिका संस्कृत, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के 100% फंडेड बाय कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, और कौन कौन से बोर्ड है ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। अराजकीय आचार्य और शास्त्री महाविद्यालय भी होते हैं, अराजकीय मतलब नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रबंध समिति, इनके अलग से मैनेजमेंट कमेटी होगी वो इनको देखेगी, ठीक है, और इनको कौन से बोर्ड से मान्यता, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से, और राज्य सरकार द्वारा ये अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो जो भी संस्था डोनेट करना चाहे वो इसके अंदर फंड डोनेट किया करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंड होती है। जो पहले 5 लेवल हमने पढ़े हैं वो राजकीय गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो 100% गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होते हैं। लास्ट वाला जो हम देख रहे हैं अराजकीय आचार्य और शास्त्री महाविद्यालय, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि नॉन गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं शास्त्री लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल, आचार्य लेवल यानी कि प्रोफेसर लेवल के, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर राजस्थान में प्रेजेंट है। तो ये बेसिक सा है जो कि हमें पता होना चाहिए। और ये कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने अगले एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं शास्त्री लेवल के जो संस्कृत के कॉलेजेस हैं राजस्थान में, गवर्नमेंट कॉलेजेस, नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। फिर हम देखेंगे आचार्य लेवल के यानी प्रोफेसर लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के संस्कृत कॉलेजेस, गवर्नमेंट वाले जो राजस्थान में हैं और नॉन गवर्नमेंट वाले जो राजस्थान में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कौन कौन से कहाँ पे है, ठीक है। तो 3-4 बार मल्टीपल रिविजन्स देने पड़ेंगे तब कहीं जाके हमें ये याद होंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट वाले कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट वाले में आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग अलग हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा नाम से। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना, देखो शास्त्री लेवल के पहले हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो शास्त्री लेवल के हैं सबके आगे राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय लिखा है, तो इनके नाम आपको अलग से कोई याद नहीं करने, ठीक है। तो कितने हैं देखो, 18 शास्त्री लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान में हैं। नंबर कितना हो गया टोटल, 18, तो ये नोट कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे हैं इसमें, जयपुर के अंदर है 4 कॉलेजेस, जयपुर में संस्कृत शास्त्री के 4 कॉलेजेस। अब ये 4 कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं, देखो चीथवाड़ी के अंदर, काला डेरा, तितरिया, और एक जो आएगा सिंपल प्लेन जयपुर महापुरा के अंदर, ठीक है। तो महापुरा, तितरिया, काला डेरा
और चीथवाड़ी, ठीक है। तो इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो रिया को तोते की तरह काला डोरा बांध के, ठीक है, पूरी की पूरी संस्कृत रटवाई, ठीक है। तो रिया से तीता रिया जयपुर याद आ जाएगा, काला डोरा से काला डेरा जयपुर आ जाएगा, पूरी महापूरा जयपुर, वहाँ पे शास्त्री का कॉलेज है, शास्त्री उसको रटवाई, ठीक है। और एक आप याद कर लीजिए चीथवाड़ी, वो चीखे मारी थी लेकिन फिर भी उसको करवाया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा जयपुर में। अब जयपुर संभाग में जब हम जयपुर डिवीज़न की बात करते हैं तो उसमें और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ऐसे भी आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, या फिर जयपुर डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास वाले कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। तो एक मैप यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, देखो अब ये हो गया हमारा जयपुर वाला संभाग, देख रहे हो जयपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, प्रेजेंट की, नए वाले की हम बात कर रहे हैं। तो जयपुर, दूदू दोसा, दूदू दोसा, अलवर, कोटपुतली बहरोर और खैरथल तेजारा, ये डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। तो दोसा के अंदर कौन कौन से शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अलवर में कौन कौन से हैं, ये हम अभी देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं, तो दौसा के अंदर देख लेते हैं पहले, दौसा के अंदर दो हैं, दौसा के अंदर जयपुर में चार, दौसा में दो। तो दौसा में एक तो मेन दौसा और एक जो है दौसा तालाब गांव में, तालाब गांव में याद कर लो, दौसा के लोगों को शास्त्री करने के लिए तालाब पार करके जाना पड़ता है, कहाँ के, दौसा के लोगों को। तो 10 लोग जाते हैं तालाब पार करके, 10 से दौसा आपको याद रहेगा। तो दौसा तालाब गांव में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय और एक प्लेन दौसा के अंदर ही। अलवर के अंदर भी दो हैं, एक अलवर के अंदर है कोट कासिम में, ठीक है, और एक प्लेन अलवर ही सिंपल लिखा मिलेगा, हाँ अलवर, ठीक है। तो अलवर के अंदर दो हैं, कोट कासिम, ठीक है, अलवर में याद कर लो, हम लवर्स से ज़्यादा याद करते हैं, लवर्स जो है एक दूसरे को वो कह रहा है संस्कृत सिखाने के लिए, खुल जा सिमसम करके संस्कृत तो सीख लेगी, मैं तुझे सिखा दूंगा, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अलवर और कोट कासिम, अलवर कोट कासिम, ठीक है, ये हो गया भाई सिंपल सा। अब हमने याद कर लिए जयपुर, दौसा और अलवर, इन तीन जगह पे शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सीकर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैप अगर आप देखोगे, सीकर जो है नया डिवीज़न एक तरीके से बना है, तो सीकर के अंदर आते हैं चुरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, ठीक है, चुरू, झुंझुनू, अरे चुरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर। तो यहाँ पे देखते हैं भाई कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज शास्त्री लेवल के प्रेजेंट है। तो सीकर के अंदर दो हैं, एक तो नीम का थाना में। अब अगर क्वेश्चन आए सीकर जिले में, अब आप बोलोगे नीम का थाना में, क्योंकि अलग से जिला हो गया ये, ठीक है। तो एक हो गया सीकर के अंदर और एक हो गया नीम का थाना में, तो ये नया अपडेट है। सीकर में कहाँ पे है भाई, श्री माधोपुर के अंदर, सीकर में कहाँ पे, श्री माधोपुर के अंदर। तीन चार दफ़ा इनके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी, पहले शास्त्री लेवल के याद करो, अगले दिन जो है फिर शास्त्री लेवल के रिवाइज करने के बाद आचार्य लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस याद करो, तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो सीकर के अंदर श्री माधोपुर और नीम का थाना, श्री माधोपुर और क्या, नीम का थाना, ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। आगे चलते हैं चुरू, चुरू के अंदर सालासर में, सिंपल है याद करना, चुरू के अंदर एक है सालासर के अंदर, ठीक है, ये भी हो गया। सवाई माधोपुर के अंदर दो हैं, एक है चौथ का बरवाड़ा में और एक है बोली में, ठीक है। तो इसको याद करो, सवाई माधोपुर में बोली और चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, रिया ही हम याद कर लेते हैं। रिया जो है चौथी क्लास में पहुंच के संस्कृत बोलना सीखी, चौथी से चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, बोली सवाई माधोपुर, ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएगा, ये चीज़ हो गया। अच्छा, सीकर का मैंने आपको एक तो श्री माधोपुर कर लिया, नीम का थाना मैंने बताया अलग डिस्ट्रिक्ट, तो अलग डिस्ट्रिक्ट में काउंट होगा। एक आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, एक स्पेशली महिला का कॉलेजेस है, गर्ल्स कॉलेज या वुमेन कॉलेज, राजकीय महिला शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, बाकी सब तो बहुत है, यहाँ पे देखो राजकीय महिला शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, यानी कि गवर्नमेंट वुमेन शास्त्री संस्कृत कॉलेज, ये है चक खाचरिया वास में। तो ये एक स्पेशली जो है अलग से हमें याद रखना पड़ेगा, चक खाचरिया वास के अंदर है, ठीक है। अब आ जाते आगे, कोटा के अंदर है चेचट में संस्कृत कॉलेज, ठीक है,
है, कोटा के चेचट में, कोटा में जाके सब टक 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 संस्कृत बोलने लगते हैं, ऐसे याद कर लो, चटपट चटपट फटाफट बोलने लगते हैं, ठीक है। धौलपुर के अंदर है सरमथुरा में, धौलपुर में कहाँ पे है, सरमथुरा, अब ये थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे है। माइंड में कैसे रखे जाएंगे, जब आप मैप से करोगे, ठीक है। तो अभी एक बार हम मैप से भी कर लेंगे, तो कोटा में चेचट, धौलपुर के अंदर सरमथुरा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा रह गया, साउथ में आ जाते हैं, राजसमंद में हमको पता है कौन से मेन जो है भगवान जी है जिनकी पूजा होती है, श्रीनाथ जी की होती है, अंबानी फैमिलीज भी के जो भगवान है मेन वो भी वही है। तो राजसमंद में तो नाथद्वारा के अंदर, डूंगरपुर में पीठ है, पीठ नामक जगह पे संस्कृत कॉलेज है, ठीक है। तो राजसमंद और डूंगरपुर दो आपको मेनली याद करने हैं। राजसमंद में ऐसे याद करो श्रीनाथद्वारा जी की, श्रीनाथ जी की पीठ है, प्रधान पीठ, तो पीठ से आपको डूंगरपुर याद करना है, ठीक है। तो ये हो गए राजसमंद और डूंगरपुर, और कोई मिस आउट तो नहीं किया हमने, नहीं, तो ये सारे कवर हो गए, ठीक है। तो इसमें महिला वाला आपको अलग से याद करना है, सीकर के खाचरिया वास में है, बाकी सारे नेम तो सेम ही है और प्लेसेस याद करने हैं। अब नॉन गवर्नमेंट वाले कैसे याद करोगे, शास्त्री लेवल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें नाम अलग से ज़रूर होगा, प्राइवेट जो भी होगा, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको आगे का नाम अलग मिलेगा, उसको फिर आप प्लेस से रिलेट करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गैर राजकीय नॉन गवर्नमेंट शास्त्री लेवल के संस्कृत महाविद्यालयों की सूची। सनातन धर्म शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सनातन धर्म कहाँ पे है, लाल सोट दोसा, ठीक है। तो सनातन धर्म के जो लोग होते हैं वो लाल कलर का तिलक लगाते हैं, तो लाल सोट, ठीक है, सनातन धर्म या बजरंगी जिसे याद करो, लाल सोटा उनका, तो सनातन धर्म लाल सोट दोसा। नेहरू शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, ये भी दोसा में, मंडावर में, और सार्थक शास्त्री भी दोसा के अंदर। तो दोसा में जो गवर्नमेंट थे वो हमने पढ़ा था, एक दोसा एक तलवा गांव, ठीक है, 10 लोग तालाब पार करके संस्कृत सीखने जा रहे हैं, ऐसे याद किया था। यहाँ पे तीन जगह पे है दोसा में, लालसोट, मंडावर और दोसा। लालसोट में सनातन धर्म नाम है कॉलेज का, मंडावर में नेहरू शास्त्री, और प्लेन दोसा के अंदर सार्थक शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ दोसा में एक और है, अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी। तो दोसा में कितने प्राइवेट शास्त्री लेवल के कॉलेजेस हैं, 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है, सनातन धर्म लालसोट, सोटा से, सोटा किसका होता है, हनुमान जी का, बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी में, ऐसे याद हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज हमने कहाँ पे पढ़ा, चुरू के सालासर में पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा आगे आ जाओ, सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के अंदर है परशुराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय। तो एक बार गंगापुर सिटी हम लोग देख लेते हैं, ये रहा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जिसको अभी नया जिला बनाया गया। तो अब ये नहीं कहेंगे कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, तो अब हम कहाँ पे बोलेंगे, गंगापुर सिटी, नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कॉलेज है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। बस इतना ही ध्यान रखना है नई जीके के ऊपर, अभी क्योंकि सादा जीके की कोई ऑथेंटिक बुक्स आई नहीं है, तो यही वाला पुराने वाला ही पूछा जाएगा। तो गंगापुर सिटी के अंदर पुर, गंगापुर, परशुराम, गंगा पार करके आए परशुराम, श्री परशुराम जी संस्कृत महाविद्यालय है, ठीक है। तो गंगापुर सिटी के अंदर कहाँ पे, श्री परशुराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय। फिर अजमेर के अंदर सब लोग आते हैं अपने पाप धोने के लिए, पुष्कर है वहाँ पे, ठीक है। तो अजमेर में सलेमाबाद के अंदर सर्वेश्वर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, सर्वेश्वर इस सृष्टि के जो रचयिता है, सर्वेश्वर ब्रह्मा जी, उनका मंदिर कहाँ, अजमेर के पुष्कर में, ऐसे याद कर लो। तो सर्वेश्वर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है, अजमेर के सलेमाबाद में। भरतपुर में भंवर बहुत रहते हैं, भंवरे बहुत होते हैं भरतपुर में, भंवरे, तो श्री भंवर शास्त्री रूपवास नामक जगह पर बरीधा भरतपुर के अंदर, ठीक है। नागौर में दो हैं, डिडवाना के अंदर रामानुज, और नागौर के जसवंतगढ़ के अंदर सूरजमल तापड़िया, ठीक है। नाग देवता अगर काट जाए, बाइट कर जाए, तो आपका तापमान बढ़ जाता है, तो उससे याद कर लो, सूरज की तरह तपने लगता है शरीर। तो सूरजमल तापड़िया कहाँ पे है, नागौर में जसवंतगढ़, रामानुज शास्त्री डिडवाना नागौर में, ठीक है। राम के अनुज को नाग देवता ने डस लिया, ऐसे भी याद कर सकते हो, तो रामानुज नागौर, ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। चित्तौड़गढ़ में है गुरुकुल शास्त्री, ठीक है, श्री चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, गुरुकुल शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय। चुरू के रतनगढ़ में राजस्थान शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, तो इसमें कोई स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नॉर्मल राजस्थान के नाम पर ही है, राजस्थान शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चुरू रतनगढ़ में। बांसवाड़ा के अंदर दो हैं, खांडू कॉलोनी में गायक शास्त्री, और एक है विवेकानंद संस्कृत महाविद्यालय घाटोल के अंदर, घाटोल में गायक शास्त्री और विवेकानंद संस्कृत
शास्त्री महाविद्यालय, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गई हमारे शास्त्री लेवल के, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आचार्य लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ पे हैं, उसमें भी राजकीय महाविद्यालय नाम लिखा आएगा, तो प्लेसेस याद करने हैं। और जो नॉन गवर्नमेंट होंगे उसमें आगे स्पेसिफिक किसी ना किसी पर्सन का या और कोई नाम हमें मिलेगा। तो आचार्य लेवल के हम देख लेते हैं, तो आसान है ये याद करना, इतने ज़्यादा कितने हैं टोटल 11 हैं आचार्य लेवल के, कितने हैं टोटल 11, ठीक है। अभी हमने जो वहाँ पे टेबल देखा था उसमें हमने 14 पढ़े थे, है ना, तो हो सकता है 3-4 नाम नए ऐड हो गए हो, और ये जो PDF अवेलेबल है हमारे पास ये पुराने वाली है, ठीक है। तो आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, नंबर पे मत जाइए। तो देखो, दो तो जयपुर के अंदर है आचार्य लेवल के, एक मनोहरपुर में और एक जयपुर में, ठीक है। फिर है अजमेर के अंदर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, चिराना, झुंझुनू, जगह का नाम याद कर लो, चिराना, झुंझुनू, गनोड़ा, बांसवाड़ा और भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मैप बेस्ड जब आप याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। जैसे हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस पढ़े शास्त्री लेवल के, जयपुर, अलवर, दौसा, नीम का थाना, चूरू में पढ़ा, फिर हमने कोटा में पढ़ा चेकपट नाम से, ठीक है। उसके बाद सवाई माधोपुर में हमने पढ़ा, फिर हमने जो है इधर आए हम राजसमंद और डूंगरपुर में पढ़ा। इस तरीके से याद करना, मैप बेस्ड याद करोगे जल्दी याद होंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, जयपुर में दो है, बाकी सारी जगह पर एक एक है, अजमेर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, चिराना, झुंझुनू, स्पेसिफिक नाम दिया है गनोड़ा, बांसवाड़ा। तो ज़्यादा चांसेस है जिसमें लोकल नाम भी दिया है जब प्लेस का, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। अब आचार्य लेवल के प्राइवेट कौन कौन से हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो जयपुर के अंदर अगर आप देखोगे ना, जयपुर में 4 है, ठीक है। जयपुर में जो है भगवान संतों के नाम पर है, श्री दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मोती डुंगरी रोड, जयपुर, आचार्य लेवल के। आचार्य लेवल के आचार्य मतलब बड़े एजुकेटर, शिक्षक, तो वो संतों के नाम पर मिलेंगे, ऐसे भी याद कर सकते हो। श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, और दिगंबर जैन जी के नाम पर व्यूमेन संस्कृत कॉलेज, आदर्श महिला आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, ये करौली में श्री महावीर जी जगह पर, करौली के अंदर, ठीक है। तो श्री दिगंबर जैन से दो हैं, एक तो जयपुर में, और महिला का आचार्य कॉलेज कहाँ पे है, करौली के अंदर। जयपुर में शाहपुरा भाग में है प्राच्य विद्यापीठ, प्राच्य विद्यापीठ, ब्रह्मपुरी जयपुर में राजस्थान आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। तो ये नाम सारे कैसे हैं, स्पिरिचुअल से नेम्स हैं जो थोड़े से रिलीजियस रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद में रख सकते हो। 12 के अंदर है सार्वजनिक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, इसको याद कर लो, आजकल सब लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, 12 मतलब बाहर, सार्वजनिक सब लोग, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, सार्वजनिक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, 12 के अंदर। पुष्कर अजमेर में आकर सबको क्या लगता है, सर्वेश्वर एक तो हमने किया, सर्वेश्वर नाम से संस्कृत शास्त्री नॉन गवर्नमेंट, अब वहाँ पे सबको क्या लगता है, हमें वैकुंठ मिल जाएगा अगर हम इसमें स्नान कर लेंगे, तो श्री रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर अजमेर में, ठीक है। तो आचार्य लेवल के जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उसमें आप देखोगे स्पिरिचुअल नेम आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, डूंगरपुर में यहाँ पे है, डूंगरपुर कहाँ गया, ये रहा, डूंगरपुर के अंदर श्री गोवर्धन आचार्य, ठीक है। झुंझुनू बगड़ के अंदर श्री SP रुक्ता आचार्य, झुंझुनू पिलानी में बिरला आचार्य, ठीक है, ये तो याद रह ही जाएगा। सीकर के अंदर फतेहपुर में दो हैं, एक लक्ष्मणगढ़ में, फतेहपुर के अंदर GR चमड़िया, और दूसरा जो है श्री वल्लभ देव बाजोरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में ही रखना पड़ेगा, लक्ष्मणगढ़ में श्री ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, इसको कैसे याद करोगे, लक्ष्मण जी जो हैं अपने तीनों भाइयों सहित ब्रह्मचार्य जीवन का पालन किया उन्होंने जब वो गुरुकुल में थे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम आचार्य संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर, ठीक है। उसके बाद जो है मांडलगढ़ भिड़वाड़ा में श्रीमती लाड देवी पंचोली आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, नंदिनी तहसील, मांडलगढ़ भिलवाड़ा, ठीक है। तो ये जो है महिला के नाम पर अकेला जो है हम पढ़ रहे हैं आचार्य कॉलेज, श्रीमती लाड देवी पंचोली आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको हेल्प आउट करेगा, कुछ ना कुछ मे बी यहाँ से एक आधा क्वेश्चन कोई ना कोई हेट आउट हो जाए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, और इसको आराम से करिएगा, आराम वाली पेस पे 2-3 बार रिवीजन करोगे तब ये माइंड में जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।